टुडे वी डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ जीके ओलम्पियाड आज हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ठीक है सो देखिए ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरीज टू मार्क्स जो अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन है वो टू मार्क्स के होते हैं वेयर एज ऑल अदर क्वेश्चन कैरी वन मार्क और जो अदर होंगे वो सब वन मार्क के होंगे ठीक है सो नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एक्सटेंट अब एक्सटेंट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है एक्सटेंट का मतलब होता है विलुप्त तो विलुप्त मतलब जो अब नहीं होते हैं मतलब कि जो खत्म हो चुके हैं तो इसमें से नॉट एक्सटेंट कौन सा है देखो डोडो भी एक्सटेंट है मैनमोथ भी एक्सटेंट है प्लेटिपस ये नॉट एक्सटेंट है सेबर टूथ कैट ये भी एक्सटेंट है मीन्स अब ये सब नहीं हो नहीं पाए जाते है. डोडो मैनमोथ सेबर टूथ कैट ये अब नहीं पाए जाते हैं ओनली प्लाटिपस इज नॉट एक्सटेंट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड एज द फीस ऑफ सेक्रीफाइज कौन से फेस्टिवल को हम फीस ऑफ सेक्रीफाइज कहते हैं ईद उल फितर ईद उल अल आधा मुहर्रम नान ऑफ दिस तो ईद अल आधा को हम कहते हैं फीस ऑफ सेक्रीफाइज नंबर थर्ड हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज अबाउट एनिमल्स इसमें से कौन सी स्टडी को हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स फ्लोरिस्ट, जूलॉजिस्ट लाइब्रेरियन तो एनिमल्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं जूलॉजिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो तारे वगैरह तारे सितारे इनकी इन, स्टार्स वगैरह की स्टडी में यूज होते हैं फ्लोरिस्ट फ्लावर की और जो लाइब्रेरियन होते हैं ये बुक्स वगैरह so, की ठीक है सो एनिमल्स की स्टडी के लिए जूलॉजिस्ट होते हैं और अगर प्लांट्स की स्टडी के लिए आएगा तो प्लांट्स की स्टडी करने के लिए बोटानिस्ट ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से ठीक है पाइन फिर एंड देवदार आर कोनीफर्स वगैरह पाइन फर और देवदार के जो ट्रीज होते हैं कॉनिफर्स होते हैं यस दे आर कॉनिफर्स कॉनिफर्स का मतलब क्या होता है ये कौन प्रोड्यूस करते हैं और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं और ये ठंडे इलाकों में होते हैं ठीक है तो ये भी ट्रू है फ्लैशी स्टैम ऑफ कैक्टस स्टोर्स वाटर इन इट जो फ्लैशी स्टैम होती है कैक्टस की वो अपने अंदर वाटर स्टोर करती है ये भी करेक्ट है मैनग्रोव ग्रो इन मार्शी एरियाज जो मैनग्रोव्स होते हैं ये मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं मार्शी का मतलब होता है दलदल दल। तो ये भी ट्रू है मैनग्रोव जो होते हैं मार्शी एरियाज में होते हैं तो इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है सो आंसर इज नन ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर फाइव एक्स इज प्रेजेंट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एक्स जो है हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प हेल्प्स अस टू मूव एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स यह हमें हेल्प करता है अपनी बॉडी को मूव करने में और लेफ्ट करने में एक्स रेफर टू एक्स किस को रेफर करता है ब्रेन मसल हार्ट हैंड तो देखिए क्या ब्रेन हमारी सब जगह होता है नहीं ब्रेन ओनली हेड में होता है ठीक है मसल्स मसल्स जो है हमारी सब जगह होती हैं ठीक है सो मसल्स इज द करेक्ट आंसर एंड हार्ट हार्ट भी सब जगह नहीं होता हैंड हैंड भी सब जगह नहीं होते ओनली मसल्स होती है जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स um, में अवेलेबल होती है ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिसिनल प्लांट इसमें से कौन सा जो है मेडिसिनल प्लांट नहीं है तुलसी नीम गार्लिक नन ऑफ दीज बताइए तुलसी को हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं यस नीम को हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं यस गार्लिक को हम एज ए मेडिसिन यूज करते हैं यस तो इसमें क्या है नन ऑफ दीज क्योंकि ये सभी मेडिसिनल प्लांट्स हैं नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन द डांस फॉर्म शोन इन द गिवन पिक्चर इज ए फोक डांस ऑफ डैश इन इंडिया जो इसमें पिक्चर दी हुई है है का फोक डांस राजस्थान बिहार आसाम महाराष्ट्र देखिए पिक्चर देखिए और बताइए सो so ये है राजस्थान का ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एट वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय बम चंद चटर्जी इट फर्स्ट अपियर्ड इन द बुक जो वंदे मातरम हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम है और वो किसने लिखा है बमकिम चंद चटर्जी ने लिखा है तो ये सबसे पहले किस बुक में मिला था बताइए आनंद मठ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया गीतांजलि द होम एंड द वर्ल्ड तो ये सबसे पहले मिला था आनंद मठ में सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वेर वुड यू फाइंड द फेमस मॉन्यूमेंट शोन इन द गि पिक्चर जो आपको मॉन्यूमेंट दिख रही है ये कहाँ पे है देखिए अच्छे से मॉन्यूमेंट देखिए सो so, ये मॉन्यूमेंट है आपका देखिए ऑप्शन दिए गए रोम पेरिस लंदन, न्यूयॉर्क, तो ये जो मॉन्यूमेंट है ये है आपकी रोम की सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टेन विच इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम मून में सबसे लार्जेस्ट सोलर सिस्टम कौन सा है यूरोपा कैलिस्टो गाइनमिडी टाइटन तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट जो है मून है वो है गैनिडी तो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक बॉडी ऑफ प्रेशर कुकर मेटल वुड प्लास्टिक नान ऑफ दीज इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो प्रेशर कुकर की बॉडी बनाने में यूज किया जाता है मेटल मेटल से बनाते हैं वुड से बनाते हैं प्लास्टिक से नन ऑफ दीज तो बनाते हैं so, तो हम मेटल से ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेलेक्ट द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग एज गिवन वर्ड एनशियन तो हमें बताना एनशियन की सेम मीनिंग कौन है एनशियन मतलब पुराना ठीक है तो सेक्रेड ब्रेव ओल्ड डेवलप तो बताइए इसकी मीनिंग क्या होगी तो so, इसका मीन्स होगा ओल्ड ओल्ड मीन्स भी पुराना होता है ना तब तुम ancient India, Now, तो हम कहते हैं एंशियंट इंडिया पुराना इंडिया नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन द क्रिकेट अंपायर शोन इन द गिवन पिक्चर इज सिग्नलिंग जो अंपायर है ये किस चीज का सिग्नल कर रहे हैं तो ये नो बॉल सिक्स रन आउट लेग बिफोर विकेट तो ये कर रहे हैं सिक्स रंस का सो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है लॉर्ड शिवा लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड विष्णु लॉर्ड गणेशा बताइए लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स वैनो इप्शन स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज स्मोक फ्रॉम व्हीकल सीवेज फ्रॉम हाउस होल्ड तो देखिये हमसे नेचुरल सोर्स पूछा है ये भी सब एयर पॉल्यूशन के टाइप है स्मोक जो फैक्ट्रीज है ये मैन मेड है स्मोक फ्रॉम व्हीकल ये भी हमारे सीवेज फ्रॉम हाउस होल्ड ये घर के जो सीवेज से होता है जो वॉल्केनिक इराप्शन है जो वॉलैनो वो, जो बर्स्ट होता है तो उसका जो इरप्शन होता है वो नेचुरल एयर पोल्यूशन है ठीक है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वॉल्केनिक्शन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेच ऑफ द फॉलोइंग जेन स्टोन इज रेड इन कलर बताइए एमरेल्ड रूबी एक्वेमरीन नन ऑफ दीज किस जेमस्टोन का कलर रेड होता है रूबी का कलर रेड होता है मैंने एक शॉर्ट्स बनाया उसमें सारे जेम स्टोन और उसके कलर्स दिए गए तो आप उसको एक बार चेक इट आउट कर लीजिएगा सो रूबी इज रेड इन कलर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो एंड टेलीविजन हमें क्या हेल्प करता है कम्युनिकेशन में टेलीविजन और रेडियो के थ्रू नंबर वन सेटेलाइट कॉमेट एस्ट्रोइ डॉफ प्लैनेट करता है हमें सेटेलाइट क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट इंस्ट्रूमेंट डज पीटर प्ले इन पीटर पैन कौन सा इंस्ट्रूमेंट पीटर प्ले में पीटर पैन ने यूज किया था पैन फ्लूट पैन ट्रम्पट पैन गिटार नन ऑफ दीज तो पीटर प्ले में पीटर पैन ने पैन फ्लूट यूज किया था ठीक है और पैन फ्लूट को हिंदी में कहते हैं मुंह बांसुरी मुंह से बजाए जाने वाली बांसुरी ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइज कैन बी यूज टू कन्वर्ट इमेजेस एंड प्रिंटेड टैक्स इन टू डिजिटल फॉर्मेट इसमें से कौन से डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इमेजेस ऑफ प्रिंटेड टेक्स को डिजिटल फॉर्मेट में बताइए ये क्या है नंबर ए माउस नंबर टू स्कैनर ये स्कैनर है और इसको ओ भी कहते हैं थर्ड है कीबोर्ड फोर्थ है सीपीयू तो इसमें से कौन सा डिवाइस है जो इमेजेस और प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है स्कैनर इसको कहते हैं ओसीआर ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निजेशन तो इसे कहते हैं ओसीआर ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड एज वन टू थ्री फोर फाइव सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन सो दैट लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड ठीक है इसमें ये जो नंबर्स दिए हैं इनको नंबर्स दिए गए अब हमें एक मीनिंगफुल लेटर बनाना है और फिर अरेंज करना है तो देखिए हमको लेटर्स दिए एच एम वाई आर ई सोचिए कि इससे क्या एक मीनिंगफुल लेटर बन सकता है इससे बन सकता है आर एच वाई एम ई रॉम तो देखिए आर का कौन सा नंबर है आर का है फोर तो फोर सबसे फर्स्ट में बी में है और सी में है फिर है एच एच का क्या है इसमें है थ्री सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऐसे वो कोई भी वर्ड दे सकता है आपको अच्छे से देखना है ट्वेंटी वन हु मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया अनुराग सिंह ठाकुर स्मृति ईरानी राज्यवर्धन सिंह राठौर एंड नान ऑफ डीज तो इसमें अनुराग सिंह ठाकुर इज द Minister of Youth Affairs and Sports in India. Now come to ट्वेंटी टू नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन ये मैंने लास्ट वीडियो करंट अफेयर्स की बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था तो नेशनल गर्ल चाइल्ड 24 जनवरी 16 जुलाई 8 मार्च 18 सितंबर अगर आपने अभी तक वीडियो चेक नहीं की है तो इससे पहली वाली वीडियो करंट अफेयर्स की है आप उसको चेक कर लीजिएगा उसमें आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे सो so, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है वो होता है ट्वेंटी जनवरी को ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच कंट्री इज होस्टिंग द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कौन जो है होस्ट कर रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को तो कर रहा है इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो कौन कर रहा है कर रहा है इंडिया ठीक है ट्वेंटी फोर्थ हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमार जेलेंसकी व्लादिमार पुतिन एनाम मैक्रोन नन ऑफ दीज तो कौन है व्लोदीमिर जेलिस्की सो so, ऑप्शन ए इज करेक्ट कभी वो ना ऐसे पिक्चर दे सकता है आपको नॉर्मल भी वो करने हो सकते हैं तो कौन है व्लोदीमिर जेलेंसकी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द लेटेस्ट रुपीज ट्वेंटी डिनोमिनेशन बैंक नोट हैज मोटिव ऑफ जो ट्वेंटी रुपीज का डिनिनेशन है जो नोट का तो उसके पीछे किसका मोटिव बना है हम्पी एलोरा केव्स रानी की वाव सांची स्टूब बताइए किसका बना है ट्वेंटी रुपए में उसमें बना है एलोरा केव नाउ कम टू लाइफ स्किल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं बुलिंग अदर्स इज अ गुड वे ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट हमें दूसरों का मजाक उड़ाना एक अच्छा वे है दूसरों की रेस्पेक्ट करने का इनकरेक्ट नॉट लिस्टिंग टू एल्डर्स इज अ गुड वे ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट बड़ों की बात ना सुनना एक अच्छा तरीका है उनको रेस्पेक्ट शो करने का नो गुड मैनर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर शोइंग रेस्पेक्ट गुड अच्छे मैनर्स कोई मैटर नहीं करते आपके रिस्पेक्ट शो करने में ये भी इनकरेक्ट है चूजिंग योर वर्ड्स केयरफुली वाइल्ड टॉकिंग एंड केयर ऑफ अदर्स फीलिंग इज अ साइन ऑफ रेस्पेक्ट आप जो बोल रहे हैं वो आप उसके लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आप ध्यान से करें और जब आप बात कर रहे हैं दूसरों से तो उनकी फीलिंग का ध्यान रखें कि उन्हें कैसा फील होगा तो ये जो है करेक्ट वे है कि आपको हमेशा अच्छे से बोलना चाहिए और दूसरे की फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए नाउ कम टू ट्वेंटी सेवन गुड पर्सनल हाइजीन मीन्स हाइजीन्स का मीन क्या है गुड पर्सनल हाइजीन का मतलब कीपिंग अवर हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन कीपिंग अवर सेल्फ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड डर्थ सी प्लेइंग अदिंग म्यूजिक इसमें से क्या है बोध ए एन सी की ए एन सी है बताइए कौन सा है देखिए पर्सनल हाइजीन कहा है उसने अपना हाइजीन तो हमें क्या करना है पर्सनल मतलब अपने लिए तो हाउस में और घर में हम पर्सनल नहीं आएगा ना कीपिंग अवर सेल्फ क्लीन

फिट फिजिकल बेनिफिट में आएगा स्ट्रांगर बॉडी अगर नॉर्मल बेनिफिट पूछा होता तब तो सब सही है ठीक है क्योंकि अगर नॉर्मल बेनिफिट होता तो हमें देखिए हम जब गेम खेलते हैं तो हमें टीम वर्क भी आता है हमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है बॉडी भी स्ट्रांग बनती है तो ऑल ऑफ दी इसने केवल फिजिकल बेनिफिट पूछा है तो स्ट्रॉन्गर बॉडी सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड टेबल मैनर इसमें से कौन सा गुड टेबल मैनर नहीं है वॉशिंग हैंड्स बिफोर कमिंग टू द टेबल ये तो सही है हेल्पिंग योर मदर इन क्लीनिंग द टेबल एट द एंड ऑफ द मील अपनी मदर की हेल्प करना यह भी ट्रू है वॉचिंग टीवी और प्लेइंग विडियो गेम्स वाइल ईटिंग वाइल द मील इज बिंग सर्व टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना जब आपको खाना सर्व हो रहा तो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट सो ऑप्शन सी इज करेक्ट और डी में क्या है नॉट टॉकिंग विथ योर माउथफुल मतलब बोलना नहीं चाहिए जब आपका माउथफुल हो सो ऑप्शन सी इज करोरेट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी योर फ्रेंड गोज आउट फॉर शॉपिंग विद हीज मदर टू अ शॉपिंग मॉल आपका जो फ्रेंड है वो शॉपिंग पे गया अपनी मदर के संग शॉपिंग मॉल में ही गेट लॉस्ट इन द क्राउड वो भीड़ में खो गया वॉट शीड ही डू तो उसको क्या करना चाहिए ही शुड आस्क अग स्ट्रेंजर फॉर हेल्प उसको किसी um, अनजान व्यक्ति से हेल्प लेनी चाहिए नो no. ही शुड गो टू एनी हाउस नियर बाय उसको पास के किसी भी घर में चला जाना चाहिए नो ही शुड आज द सिक्योरिटी गार्ड दे आर टू मेक अ कॉल टू हिज पेरेंट्स येस दिस इज करेक्ट उसे सिक्योरिटी गार्ड के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना अपने पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहना चाहिए सो दिस इज करेक्ट सो ऑप्शन सी इज करेक्ट डी क्या है ही शुड टेक अ बस एंड गो होम उसको बस लेनी चाहिए और घर चलाना जाना चाहिए ये भी इनकरेक्ट सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ कम टू द अचीव सेक्शन देखिए अचीवर्स सेक्शन का एक क्वेश्चन टू मार्क्स कैरी करेगा ठीक है तो इसे अच्छे से देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गि वर्ल्ड ग्रिड इसमें से कौन सा जो है इस ग्रिड में नहीं फाउंड कर रहा है जो फाउंड करेंगे उनको उनको कुछ नहीं करना जो नॉट फाउंड वाले हैं उनको बताना है ठीक uh, है आ टाउन वेर रोहतांग पास इज लोकेटेड वो टाउन जहां रोहतांग पास लोकेटेड है किसी को पता है वो टाउन जहां रोहतांग पास लोकेटेड है जो रोहतांग पास जिस टाउन के पास लोकेटेड है उसका नाम है मनाली तो देखते हैं मनाली इसमें कहीं दिख रहा है आपको देखिए मनाली एम ए एन ए एल आई तो मनाली तो इसमें है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है वर्ल्ड में लार्जेस्ट ग्लेशियर है लैम्बर्ट ग्लेशियर और ये लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ है लैम्बर्ट ग्लेशियर इन एंटार्टिका तो देखते हैं लैमबर्ड कहीं है लल ए एम यही नहीं है ये यही करेक्ट होगा बाकी भी देख लेते हैं आ लेक फाउंड इन केरला वो लेक जो केरला में फाउंड है वो कौन सी है जो केरला में लेक है वो है वैम्बा नेड तो वैम्बानैड देखिए कहीं है ये वेम वेम्बा ठीक है नाउ डी आ डिजीज कॉज बाय पॉल्यूटेड वाटर ऐसी डिजीज जो पॉल्यूटेड वाटर से होती है पॉल्यूटेड वाटर से होता है कॉलरा जॉइंडिस, तो देखें कॉलरा या जॉइंडिस कहीं हो दिस इज कॉलरा सी एच ओ एल ई आर ए या जॉइंडिस भी हो सकता है ठीक है सो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज नॉट अवेलेबल इन द ग्रिड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट और लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड कौन है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड इज लैम्बर्ड ग्लेशियर इन एंटार्टिका नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली तो हमें बताना है कौन कौन करेक्टली मैच नहीं है देखिए ये जेवलिन थ्रू इसने कहा कि ये जेवलिन थ्रू है देखिए अच्छे से जैवलिन थ्रू है ये डिस्क थ्रो है कहा इसने देखिए डिस्क थ्रो है नाउ कम टू क्वेश्चन थ्री उसने कहा कि ये शॉर्ट पुट है तो ये शॉर्ट पुट है और ये कह रहा है कि ये हैमर थ्रो है तो इसमें से कौन सा करेक्ट करेक्टली मैच नहीं है तो इसमें करेक्टली मैच है इसमें देखिए केवल ओनली फोर केवल ये हैमर थ्रो है बाकी सब इनकरेक्ट हैं सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन टू थ्री ये करेक्टली मैच नहीं है मैंने एक शॉर्ट बनाई है उसमें मैंने सारी पिक्चर्स भी इनकी दिखाई हैं तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सा गेम कौन सा है ठीक है

सप आ, आ, पावर देने में जबकि मेन सप्लाई बंद हो तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो देखिए ये जो ऐसी चिप होती है ना ये सीपीयू के अंदर होती है तो जो तो ये तो सही है बट जो सेकंड है जो अगर मेन सप्लाई ऑफ हो जाए तो सीपीयू नहीं देता है क्या कहते हैं पावर सप्लाई पावर सप्लाई के लिए यूपीएस होता है ठीक है और वैसे भी ये चिप है तो ओनली स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आई आईडेंटिफाई पी क्यू आर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पी अ लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स क्यू कैपिटल ऑफ तुर्की करेंसी ऑफ थाईलैंड तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है ये पी होना चाहिए क्यू होना चाहिए आर ची, ची अगर आपको इनमें से एक भी चीज आ गई ना तो आपको थोड़ा बहुत भी आपका ऑप्शन सही हो सकता है आपको आ लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स पता है कौन है कहाँ है आ लैंड ऑफ थाउजेंड लेक लैंड ऑफ थाउजेंड लेक है फिनलैंड ठीक है कैपिटल ऑफ तुर्की देखिए ये आपको नहीं पता फिर देखिए करेंसी ऑफ थाईलैंड तो आपको पता होगी करेंसी ऑफ थाईलैंड है भाट तो देखिए अगर आपको दो चीज ही पता चल गई आ लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कौन है फिनलैंड फिनलैंड और किसी में नहीं है तो कैपिटल ऑफ तुर्की अंकारा ही होगा और करेंसी ऑफ थाईलैंड हार्ट है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट तो आप कभी कभी ऐसे थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखिए इसमें दो जैम प्लस एक टॉफी का प्राइस कितना दिया गया वन ट्वेंटी फाइव रुपीज ठीक है और एक टॉफी प्लस एक बटर प्लस एक केचप का प्राइस कितना दिया गया है वन हंड्रेड थर्टी फाइव और एक बटर और एक केचप का प्राइस कितना दिया गया वन हंड्रेड टेन और हमें निकालना है एक जैम एक बटर और एक केचप का प्राइस का टोटल तो देखिए हमें बटर और केचप का प्राइस तो पहले ही दिया हुआ है बटर और कैचअप का प्राइस कितना है दोनों का मिला के वन हंड्रेड टेन तो देखिए बटर और कैचअप का प्राइस इतना तो हमको पता चल गया इतना तो वन हंड्रेड टेन होगा ठीक है अब हमें जैम का प्राइस निकालना है ठीक है अब देखिए अब देखिए बट बटर प्लस कैचअप का प्राइस कितना है वन थर्टी फाइव और देखिए बटर प्लस केचप ये दिया गया है वन हंड्रेड टेन ठीक है तो यहाँ पे हम वन हंड्रेड टेन लिख देंगे तो देखिए वन टॉफी प्लस इन दोनों की जगह क्या रख देंगे हम बटर प्लस केचप की जगह वन हंड्रेड टेन तो यहाँ पे लिखेंगे 110, वन हंड्रेड टेन इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी फाइव तो टॉफ़ी का प्राइस कितना आ जाएगा तो 135 में से 110 हंड्रेड काट देंगे तो बचेगा ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ठीक है तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना आ गया ट्वेंटी फाइव रुपीज़ अब हमें तो टॉफी का प्राइस पता लग गया है अब हम जैम का प्राइस निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे दो जैम प्लस एक टॉफी इक्वल ट्वेंटी फाइव है तो देखिए दो जैम प्लस टॉफी इक्वल वन ट्वेंटी फाइव रुपीज़ है तो अब हमें टॉफ़ी का तो प्राइस पता है टॉफी का प्राइस कितना है टॉफ़ी का प्राइस है ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ठीक है तो वन ट्वेंटी फाइव ऐसे लिख देंगे तो टू जैम का प्राइस कितना हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी फाइव माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हंड्रेड दो जैम का प्राइस हंड्रेड रुपीज़ है तो एक जैम का प्राइस कितना होगा फिफ्टी रुपीज़ ठीक है और हमें एक कैचप और एक बटर का प्राइस तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक कैचअप और बटर का प्राइस कितना है वन हंड्रेड टेन और हमारे जैम का प्राइस कितना आ गया फिफ्टी तो वन हंड्रेड टेन प्लस फिफ्टी कितना होगा वन हंड्रेड सिक्सटी सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ठीक है आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो so, अब सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं so, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जी के ओलम्पियाड एग्ज़ाम और बाकी आप शॉर्ट्स वगैरह देखते रहिएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो थैंक यू